लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड सीट पर नामांकन किया और सीट पर सीपीआई ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है। लेकिन यहां जो दिलचस्प बात है उसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यहां डेरा डाला हुआ है। हालांकि वो अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही हैं लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन के लिए चप्पे चप्पे पर प्रचार कर रही हैं। एक तरह से राहुल स्मृति ईरानी का संघर्ष अमेठी के साथ साथ वायनाड में भी देखने को मिल रहा है। वायनाड सुर्खियों में है। इस बात की संभावना तो पहले से ही थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। उनके अमेठी को लेकर असमंजस हो सकता था लेकिन जिस तरह वो पिछले लोकसभा का चुनाव भारी मतों से जीते थे उससे ये स्वाभाविक था कि वे एक बार फिर वायनाड से अपना भाग्य आजमाएंगे। आखिर उन्होंने केरल की वायनाड सीट से नामांकन भरा लेकिन इस सीट को लेकर एक अलग तरह की सुगबुगाहट तब देखने को मिली जब बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन के नामांकन के समय वहां स्मृति ईरानी भी नजर आई। यही नहीं उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो भी किया। कहा जा सकता है कि सुदूर केरल में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में कोई केंद्रीय मंत्री उपस्थित हो तो इसमें आश्चर्य जैसी बात क्या है। स्मृति ईरानी तो पौड़ी में भी बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के समय गई है लेकिन वायनाड में उनकी उपस्थिति का कुछ अलग संकेत थे। इसे यही माना गया कि बीजेपी अमेठी की तर्ज पर वायनाड में भी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में जुट गई है और इसमें स्मृति ईरानी से बेहतर स्टार प्रचारक बीजेपी के लिए और कौन हो सकता है। अमेठी में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच दो बार मुकाबला हुआ है। पहले 2014 में राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पराजित किया। कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका था। चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जब अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी अपना नामांकन किया था तब लगने लगा था कि कांग्रेस कहीं इस सीट पर अपने को कमजोर देख रही है। इसके चलते राहुल गांधी ने वायनाड की सुरक्षित सीट को तलाशा। हालांकि राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर कहा गया कि कांग्रेस उत्तर के साथ दक्षिण में भी पार्टी की पैठ बढ़ाना चाहती है। यहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट के आधार पर राहुल गांधी के लिए जीत सहज नजर आई। साथ ही मुस्लिम लीग और वायनाड के कुछ मुस्लिम संगठन भी कांग्रेस के पक्ष में आए। राहुल गांधी को यहां से शानदार सफलता मिली। कांग्रेस ने राज्य की 15 सीटें जीती उसमें राहुल गांधी की वायनाड और शशि थरूर की तिरुवनंतपुरम की सीट भी शामिल है। हालांकि मोदी लहर में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की लेकिन राहुल गांधी वायनाड की सीट बचा कर ले गए। इस बार वायनाड की स्थिति थोड़ी अलग है। इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस और सीपीआई यहां आमने सामने हो गए हैं। सीपीआई ने अपने वरिष्ठ नेता डी राजा की पत्नी एनी राजा को प्रत्याशी बनाया है। सीपीआई इस चुनाव में जीत के लिए पूरी कोशिश कर रही है। सीपीआई का कहना है कि राहुल गांधी को कांग्रेस सरकार वाले किसी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए था। ऐसे राज्य जहां सीपीआई की सरकार है उन्हें प्रत्याशी नहीं बनना चाहिए था। जबकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट पर चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें पिछली बार 6,40,000 से ज्यादा मत मिले इसलिए यहां कांग्रेस का दावा बनता था। कांग्रेस ने यहां सीट पर घुसपैठ नहीं की। आखिरी समय तक ये कयास लग रहा था कि वायनाड की सीट पर कांग्रेस सीपीआई को मना लेगी लेकिन सीपीआई ने जिस तरह से तैयारी की है उससे संभव नहीं लगता कि एनी राजा अपना नाम वापस लेंगी। जहां तक चुनाव में सियासी जातीय समीकरण की बात है इस सीट पर 33% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। कांग्रेस को पिछली बार मुस्लिमों का जमकर वोट मिला था। कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम लीग और कुछ मुस्लिम संगठन खड़े थे। इस बार सीपीआई की कोशिश मुस्लिम जनाधार को वापस वामपंथ पार्टियों की ओर मोड़ने की है। सीपीआई ने चुनाव की घोषणा होने से पहले ही प्रचार करना शुरू कर दिया था। जहां तक बीजेपी की बात है पार्टी ने राज्य की 5-6 सीटों पर खासा फोकस किया है। बीजेपी इस बार बदले समीकरणों में क्रिश्चियन को भी साधने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां के चप्पे चप्पे में घूम रही है। अमेठी का चुनाव 5वें चरण में होना है इसलिए स्मृति ईरानी के पास इतना समय है कि वह चुनाव तक यहां प्रचार कर सके। माना जा रहा है कि दूसरे चरण में जब केरल में वोट पड़ेंगे उसके बाद ही स्मृति ईरानी यहां डेरा जमा कर रहेंगी। वह मतदाताओं से कह रही है कि अमेठी में काम न होने के कारण उन्हें वहां से चुनाव लड़ना पड़ा। अब अमेठी बदल रही है इस तरह वो वायनाड में राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है।
यही नहीं, के सुरेंद्रन भी अपनी सभाओं में स्मृति ईरानी का जिक्र इस तरह करते हैं कि यही स्मृति ईरानी है जिन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से यहां आने के लिए विवश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।